रीवा शहर से गुजरने वाली जीवनदायिनी बिहार नदी में कक्षा दसवीं के दो छात्रों की नहाते समय डूबने से हुई मौत के बाद अब जिला प्रशासन एक्शन मूड में आ गया है। आज रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल सहित नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन पूरे अमले के साथ करैया घाट का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि शहर के बीच से निकलने वाली बिहार नदी के घाटों में दुर्घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें, साथ ही सभी चिन्हित 10 घाटों में दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित कराए जाएं। कलेक्टर ने करैया घाट का भ्रमण किया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन भी उनके साथ उपस्थित रहीं। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर नदी में लोग नहाने जाते हैं। नदी का प्रवाह अधिक होने व उसकी गहराई का अनुमान न होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत किया जाए और गहराई की सीमा के लिए नदी में बांस लगाए जाए, ताकि उस क्षेत्र से आगे लोग नहाने के लिए न जाएं। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों में भी दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान जिला कमांडेंट अपने यहाँ नदी और खासकर नहरों को लेकर के ये दिक्कत सामने देखने में आई है कि बहुत सारे लोग गर्मियों के मौसम में तैरने के लिए या अन्य किसी एक्टिविटी के लिए यदि ऐसी जगहों पर जाते हैं और उनको ये अंदाजा नहीं रहता है कि गहराई पानी की कितनी ज्यादा, और ऐसे में कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसी को रोकने के लिए रीवा नगर निगम ने जो तैयारी की है कि साइनेजेस अपने लगाएं जो इस प्रकार से दिखेंगे, साथ ही घाटों में जो गहराई रहेगी उसकी भी कहीं ना कहीं नाप रहेगी, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी घाट पर उतर रहा है तो इसको इस बात का अंदाजा रहेगा कि उसे किस सीमा से आगे नहीं जाना है, आने वाले समय में दुर्घटनाएं न हो, इसको लेकर के पहल की गई। मैं वीरेंद्र सिंह जादौन, कमांडेंट होमगार्ड NSDRF। अभी जो घटना हुई है वो बड़ी गंभीर घटना है। इस प्रकार की घटना अगर रिपीट न हो, इसके संबंध में जिला प्रशासन और कलेक्टर मैडम का यही निर्देश है कि अपन का है घाट को थोड़ा सुरक्षित कर लें और थोड़ा अवेयरनेस के हिसाब से क्या है कि जनता को भी जागरूक करें। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों से भी विनम्र अपील है कि वो अपने बच्चों को विशेष रूप से गर्मी के मौसम जो असुरक्षित रूप से जो नहाने धोने वो कहीं जाते हैं, तो वो क्या है कि उनको मोटिवेट करें, उनको इस चीज में जागरूक करें, ताकि इस प्रकार की घटना निकट भविष्य में ना हो।